बहुत भी हवा या हल्की फुल्की भी छाया पड़े धूप पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि नीचे जो है जो जीवाश्म की प्रक्रिया है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगी या डैमेज होगी या वो सूखेगा गोबर, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें बोरे से ढकना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ही हम इसको बोरे से ढक देते हैं फिर हम इस पर हल्की सी पानी की छिड़काव भी करते हैं और ये सुरक्षित नेचुरल प्रोसेस से ये तैयार होती है। तो ये 70 से 90 दिन में अपने आप पूरी तरह से कंपोस्ट हो जाएगा और जब ये कंपोस्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जियों में और 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अनाज वाली फसलों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये रॉक फॉस्फेट जो इसमें हमने डाला है उसकी बदौलत ये रिप्लेसमेंट ऑफ DAP तैयार हो जाएगा आपका। और जब हम ये खेतों में 2 टन और 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपको DAP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपने फास्फोरस का विकल्प तैयार नेचुरल प्रोसेस से कर लिया। अब इसी में हम क्या करते हैं, दूसरे तरह की खाद की बात करें तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। इसी पिट में हम उसके लिए फ्रेश गोबर लेते हैं, उसमें भरते हैं और भरने के बाद लगभग गोबर को 25 से 30 दिन के अंतराल या 20 से 30 दिन के अंतराल तक इसको इसमें रखते हैं ताकि ये उस मीथेन गैस होती है, गोबर में गैस होती है, वो मीथेन गैस ख़त्म हो जाए और जो है उसकी हीट ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ और अर्थबम आपने डाले तो मीथेन गैस जो है ना अर्थबम को डैमेज कर देती है, और दूसरी बात हीट से केंचुआ मर जाता है, तो हीट भी नहीं होना चाहिए और मीथेन गैस भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सुनिश्चित करें या तो आप गोबर गैस में पहले गोबर को ले जाएं और जब वो सैलरी निकल जाए तो सैलरी इसमें आप पिट में भर दीजिए थोड़ा सा पानी निथरने के बाद, और फिर इसमें अर्थबम डायरेक्टली आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो फ्रेश गोबर आपका डेली निकल रहा वो आप इसमें भरते जाइए और पिट भरने के बाद लगभग 20 से 25 दिन तक आप इसे छोड़ दीजिए ताकि हीट उसकी कम हो जाए। लेकिन अगर 20 दिन बाद अगर आप इसमें अर्थबम डालते हैं तो सावधानी एक आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जब आप अर्थबम इसमें छोड़ने लगें तो हाथ डाल के आपको चेक करना है कि गोबर हीट तो नहीं दे रहा है। अगर उस समय भी गोबर हीट दे रहा है तो फिर आपको पानी डालना है कुछ मात्रा में और पानी डाल के उसे ठंडा करना है, तब जाके आपको उसमें अर्थबम छोड़ने हैं। तो आप पानी आज डाल दीजिए, कल सुबह आप इसमें फिर चेक कर लीजिए हाथ डाल के, अगर आपको गर्म लग रहा है तब फिर से पानी डालने की आवश्यकता है, और आपको गर्म नहीं लग रहा है मतलब अब उपयुक्त है अर्थबम को वो खाने के लिए, फिर आप अर्थबम उसमें छोड़ सकते हैं। कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, ताजे गोबर में अर्थबम डाल देते हैं या हीटेड गोबर में अर्थबम डाल देते हैं, केंचुए मर जाते हैं, दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सावधानी आपको रखना बहुत आवश्यक है। और बोरा ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थबम को हमेशा अंधेरा चाहिए होता है, अगर इसको उजाला मिला तो ये काम नहीं करेगा। तो आवश्यक है कि हम उसे बोरे से ढक के रखें ताकि उसको 24 घंटा अंधेरा महसूस हो, और जब उसको अंधेरा महसूस होगा तो वो 24 घंटे नॉन स्टॉप वर्किंग करेगा। तो इसलिए हम बोरे को ढक के रखते हैं, ये खाद की क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारा इसमें होगा वर्मी कंपोस्ट तैयार, और ये कार्बनिक खाद का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेस है, और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम और एसिड्स की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो इसे भी आप 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा, और अगर आप अनाज की खेती करते हैं तो कम से कम 1 टन, और अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में है तो 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट की बात हो गई एक बात। दूसरी बात, इसमें जो सावधानियाँ रखनी है, देखिए अभी बारिश का समय है और बारिश के समय में इसे शेड देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डायरेक्टली इसको ओपन में रखा है और शेड नहीं दिया है और बारिश का पानी गिरेगा तो अर्थबम जो है ना रात्रि के समय निकल के भागेंगे क्योंकि पानी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पानी ज़्यादा होगा, पिट में भरा रहेगा, अर्थबम निकाल के भाग जाएंगे और आपकी मिट्टी में चले जाएंगे, फिर वो खाद नहीं बनाएंगे। तो आपको क्या करना होता है कि पहले नंबर तो इस पर शेड देना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी और ठंडी के समय तो हम क्या करते हैं कि पेड़ की छाया में ये हमने बैग लगा दिए तो कोई स्ट्रक्चर में शेड नहीं देना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीलेयर फार्मिंग का जो अपना फार्मूला है के अंदर भी आप ये फिट कर सकते हैं, जिसमें ऊपर आप वेजिटेबल उगा सकते हैं और नीचे आप अपना ये पिट वाला और कंपोस्टिंग वाला भी काम कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर मेंटेन हो जाती है छाया और एक अनुकूल वातावरण उसमें क्रिएट हो जाता है इनको काम करने का, तो वो भी किया जा सकता है। और तीसरा, आपको बारिश के समय का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। तो शेड में भी आपको बारिश होगी तो पानी गिरेगा, और अगर पेड़ की छाया में भी आप कर रहे हैं तो भी बारिश का पानी इसमें गिरेगा। तो हमें आवश्यक है कि इसका अच्छा प्रबंधन करें, और उसके लिए ये आप देख पा रहे होंगे हमने यू शेप की
दो सूत की जो सरिया होती है, रॉड जिसे अपन बोलते हैं लोहे की, उसको हमने लगभग 7 से 9 फीट के आसपास का हम इसे काट लेते हैं, जो भी आपके पास नाप तोल का सही रॉड हो। वैसे तो 9 फीट से ज़्यादा हाइट हो जाती है, ये 7 फीट की रॉड हमने काटी हुई है यहाँ पर, और इसको लगभग 7 फीट का काट के यू शेप का इसको टनल दे देते हैं, टनल का शेप से हम इस पिट में लगा देते हैं। अब होगा क्या कि जब बारिश आएगी तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा पतला सा बैम्बू या इसी रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर की साइड में टॉप पे यूं बांध देंगे स्टार्टिंग टू एंड, और इस पे ट्रांसपेरेंट आती है बिल्कुल, इस पे हम ढक देंगे, तो बारिश का जो पानी गिरेगा वो लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा और सारा पानी आपका बह जाएगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, पानी से सुरक्षा हो जाएगी। तो हम इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से अपना शेड तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। मुश्किल से एक बेड को ढकने में 50 रुपये का खर्चा आता है, 60 रुपये की पॉलीथीन आती है और लगभग 100-150 रुपये या बहुत अधिकतम तो 200 रुपये की ये आपकी टर्नल सेप के लिए ये हो जाती है, पर एक बार ये लग गई तो ये हमेशा के लिए हो गया। अदरवाइज़ तो आप जो है ना बैम्बू का भी कर सकते हैं, बांस का, गीले बांस को आप काटिए और उसको फाड़ लीजिए बीच से और यू सेप का टर्नल दे दीजिए, तो उससे भी आपको जो है काफ़ी फायदा हो सकता है, मतलब ये कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। तो इस तरह से हमें बारिश का इसको सुरक्षा देनी है। अब आती है बात इसमें और कौन तरह की खाद बनाई जाती, तो दो तरह की खाद मैंने आपको बता दी, एक तो रॉक फास्फेट और गोबर के कॉम्बिनेशन से जो बनती है वो खाद हो गई फास्फोकंपोज, उसे ये बहुत ही आविष्कारिक और चमत्कारिक खाद है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें हम क्या करते हैं कि गोबर की मात्रा लेते हैं 75%, ठीक है, और रॉक फास्फेट की मात्रा लेते हैं 25%, क्योंकि इसमें 5% हम इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें अर्थबम भी डालना है, और अर्थबम को अगर हम ज़्यादा रॉक फास्फेट देंगे तो उसकी बॉडी से रॉक फास्फेट निकलने में दिक्कत होगी और काफ़ी केचुए को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है और कई कंडीशन में केचुआ मर भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, गोबर और रॉक फास्फेट को अच्छी मात्रा में मिला के और 25 और 75 के रेशो से हम इसे मिलाते हैं अच्छी तरह से मैश करके और इसमें भर देते हैं, और सेम प्रोसेस अगर गोबर हीट पे है तो उसे पानी डाल के ठंडा कीजिए, और अगर हीट पे नहीं है तो कंडीशन वही है कि आपको 1 महीने तक वेट करना है 25 दिन के आसपास तक, और फिर उसमें पानी डाल के उसको ठंडा करना, और अगर मान के चलो वो ठंडा है या सैलरी का आपका गोबर है तो फिर आप तुरंत भी डाल सकते हैं। कुल मिला के गोबर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए और लगभग 20 से 25 दिन पुराना होना चाहिए ताकि उसकी मीथेन निकल जाए और अर्थबम को कोई हानि ना पहुंचे। तो हमें क्या करना है, इसमें हमने 75% काउडंक ले लिया, 25% रॉक फास्फेट ले लिया, दोनों को मिक्स करके इसमें भर दिया, और सेम कंडीशन हमने हीट को चेक कर लिया कि भाई बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं है, और अगर हीट नहीं है नॉर्मल कंडीशन है तो हमने जाके इसमें अर्थबम छोड़ दिया। अब अर्थबम भी कौन से छोड़ने हैं आपको, एसिनिया फटेडा नहीं, इटालियन ऑस्ट्रेलियन केंचुआ नहीं, जो विदेशी केंचुआ इंडस्ट्रियों के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है वो केंचुआ हमें कतई इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने बैक्टीरिया वाली बात समझी कि हमारे क्लाइमेट कंडीशन के बैक्टीरिया, हमारी मिट्टी के बैक्टीरिया हमारे खेत में अच्छे ढंग से सर्वाइव और काम करेंगे और हर वातावरण के प्रति वो सहनशील होंगे और लंबे अरजे तक काम कर पाएंगे, ठीक उसी तरह हमें अपने देसी केंचुओं पर ही काम करना है, देसी अर्थबम पर ही काम करना है। अगर हम बाहर के ऑस्ट्रेलियन इटालियन और जो भी ब्रीड एसिनिया फटेडा वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी कंट्री की ब्रीड नहीं है, और जब वो हमारी मिट्टी में जाएंगी तो जब विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी तो वो मिट्टी में काम करना बंद कर देंगी। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रजातियां केवल गोबर खाती हैं, बायोमास खाती हैं, मिट्टी नहीं खाती हैं, और हमारी हिंदुस्तान में जो प्रजातियां हैं अगर हम उनको टारगेट करें तो कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो गोबर और मिट्टी दोनों खाती हैं, तो हमें उन प्रजातियों को लेकर ये खाद बनाना चाहिए ताकि जब तक ये खाद बनाएं तो यहाँ पर अपने अच्छे ढंग से वर्किंग करें, और जब ये खाद हम खेत में डालें तो इसमें जो अर्थबम और छोटे बच्चे या एग्स जाएंगे, इनके अंडे जाएंगे, वो सब जाके खेत में मल्टीप्लाई हों और वहाँ पर जो मिट्टी है या वहाँ पर जो बायोमास पड़ा है वो उसको खाएं, और जो खेतों में वर्षों से जो निरंतर प्रक्रिया होती चली आ रही थी नेचुरल प्रोसेस वो आपकी सेट हो जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे, विदेशी केंचुए के साथ काम करेंगे तो वो आर्सेनिक भी छोड़ते हैं, लेड छोड़ते हैं, जो मिट्टी को हार्ड करते हैं और ऊपर से वो मिट्टी में काम भी नहीं करते हैं, तो ये प्रक्रिया आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगी और ये एक बाजार का निर्माण करती है। तो हमें अपनी देसी वैरायटी के केंचुए पर काम करना है ताकि हम बाजारीकरण की व्यवस्था से बच सकें और हम अपनी नेचुरल प्रोसेस
प्रोसेस में लौटाएं ताकि मिट्टी अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता रख सके। तो हमें देसी केंचुआ इसमें इस्तेमाल करना। तो अब क्या होगा कि गोबर, रॉक फास्फेट और अर्थवर्म तीनों को हमने इसमें एक साथ डाला है, तो अर्थवर्म जो है ना गोबर और रॉक फास्फेट को दोनों को खाएगा और खा के वीट करेगा, और जो वीट होगा वो जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी। आप उसे 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर सब्जियों में इस्तेमाल, अनाज में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रचुर मात्रा में डीएपी की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। और अगर 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जी फास्फोरस की एक बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए मात्रा पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये तीसरी तरह की खाद कंप्लीट आपको मैंने बता दिया, वर्मी फॉस। ये फास्फोरस का सबसे अच्छा विकल्प है। और इसके बाद इसमें जो हम लिक्विड निकालते हैं, देखो ये तो हो गई फास्फोरस की बात, इसमें होती है नाइट्रोजन। तो मैं आपको बता दूं, गोबर में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और ये नाइट्रोजन जनरली गैस के रूप में होती है। तो जब गैस के रूप में अगर नाइट्रोजन है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर वो इन्वायरमेंट में हम रखेंगे, ओपन में रखेंगे, तो वो सारी जो है नाइट्रोजन हमारी उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे लिए नाइट्रोजन फिर कुछ भी नहीं बचेगी, और हमें फिर यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को मिट्टी को देना होगा। तो इस वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन होती है। अब 70% नाइट्रोजन को पौधे तक ले जाने के लिए सुडोमोनास बैक्टीरिया काम करता है, और ये मिट्टी में ऑलरेडी होता है। और इसका काम क्या होता है, हवा से नाइट्रोजन को सिक करके प्लांट्स को अवेलेबल कराना। अब कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया ही नहीं है आपके खेत में, तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को निकाल के पौधे को कैसे उपलब्ध कराएगा। तो जितना भी हमने केमिकल डाला है, इससे ना केवल सुडोमोनास बैक्टीरिया बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया डैमेज हुए हैं, तो वो तत्व को पौधे को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, नाइट्रोजन के रिसोर्सेज के लिए गोबर में जो नाइट्रोजन होती है, तो हमारे हिंदुस्तान में किसान भाइयों की एक बुरी आदत है, मैं बताना चाहता हूँ, या जो लोग नए से काम करना चाहते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको इसी ढंग से प्रोसेस से काम करना है। जब आप खेत में, आपके खेत में गाय होंगी, तो गाय से जो गोबर निकलेगा, वो गोबर आपको रोड पे ले जाके नहीं डालना है, या किसी एक गड्ढे में नहीं पटकना है। जनरली लोग तो ऐसे ही करते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, जब रोड पर गोबर का ढेर होता है या किसी पर एक गड्ढे में ढेर होता है, तो वो वातावरण के संपर्क में होता है, और जब वातावरण के संपर्क में होता है तो निश्चित है धूप उस पर पड़ती है, हवा उस पर पड़ती है, पानी उस पर पड़ता है, तो उसकी क्वालिटी जितनी भी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अगर हम गोबर की बात करें, तो हिंदुस्तान का बहुत सारा वर्ग, तो पहली बात तो जर्सी और भैंस के उस पर है, अभी ट्रैक पे है, और भैंस और जर्सी गाय का गोबर हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनका जो गोबर है, एक तो इनमें पोटेंशियल नहीं होती है, और दूध के चक्कर में इनको प्रोटीन डाइट दी जाती है, तो इनका जो गोबर की क्वालिटी होती है वो पूरी तरह से डैमेज होती है। तो सबसे पहले नंबर, तो यहाँ पर जब हम खाद की बात करते हैं, तो खाद की क्वालिटी को हमें पहले नंबर उसके रॉ मटेरियल की ताकत को सुधारना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नंबर तो हमें गोबर को इम्प्रूव करना है, और गोबर को इम्प्रूव हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी देसी गाय पर काम करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर बात यह है, जब हम खाद बनाने की बात करेंगे, हालांकि गाय का एक संपूर्ण विषय है, वो पूरा बहुत बड़ा विषय है वो, पर मैं ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये खाद उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको देसी गाय को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी भारतीय नस्ल की 36 प्रकार की इंडिजिनियस काऊ हैं, और इन सभी देसी गायों में सूर्यकेतु नाड़ी पाई जाती है, और इस सूर्यकेतु नाड़ी का काम जो होता है, रोल जो होता है, वातावरण में जब गाय सूरज के संपर्क में होती है, खुले वातावरण में होती है, तो सूरज की रोशनी हर किसी जानवर पर पड़ती है, लेकिन हर कोई जानवर उस एनर्जी को करंट में नहीं बदलता। ये बहुत ही स्पेशल जीव है, या धरती पर वरदान है, जो कि गाय के रूप में हमारे लिए ईश्वर ने दिया हुआ है। और ये गौमा जैसे ही वातावरण के संपर्क में होती है, तो सूर्य केतु नाड़ी इसके अंदर होती है, और ये सूर्य केतु नाड़ी का रोल जो होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके उसको इकट्ठा करके करंट के रूप में डाइवर्ट करके दूध में, गोबर में, यूरिन में डाइवर्ट करना। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये जो बात हम आपको कह रहे हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल बात है, और इस पर काफ़ी रिसर्च और अध्ययन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मान लीजिए कि सोलर पैनल प्लेट का आविष्कार नहीं हुआ है, या इस तरह की कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को आप नहीं जानते हैं, और अगर हम आपसे आज ये कहें कि सूरज की रोशनी से हम बल्ब जला सकते हैं, या फिर धरती के अंदर से जो हम पानी निकालते हैं एक मशीन और करंट के माध्यम से, उससे भी हम पानी निकाल सकते हैं, तो शायद आप हमें देखकर काफ़ी देर तक हंसेंगे,
क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है जो ये संभव हो सके, या सूरज के रोशनी में इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, या हमारी कल्पना से बाहर है ये चीज़। लेकिन जब हमने सोलर पैनल प्लेट का आविष्कार किया, तो वही प्लेट जब आप सनलाइट के संपर्क में रखते हैं, तो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है, तो सूरज की रोशनी में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को करंट में वो प्लेट बदल देती है, और उस करंट से आप बिजली के सारे इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, इवन पंखे से लेकर और जो भी आपके घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे चला लेते हैं, और साथ में आप मशीन बहुत ज़्यादा गहराई से पानी को भी निकाल लेते हैं। तो ज़रा कल्पना करिए कि जो सूरज की रोशनी है उसमें सीधा सीधा करंट है, पर उस करंट को बदलने के लिए या उस रोशनी से करंट को डाइवर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, एक डिवाइस की आवश्यकता है। तो मानव रूपी डिवाइस के रूप में आपने सोलर पैनल प्लेट बना ली है, लेकिन नेचुरल डिवाइस के रूप में ईश्वर ने हमें गाय रूपी एक वरदान दिया हुआ है। जो गाय जब हमारे वातावरण में या सूरज के संपर्क में रहती है, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उस करंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है, और उस करंट को दूध में और गोबर में और यूरिन में डाइवर्ट कर देती है। इसलिए हमारे गाय के यूरिन में कैंसर के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने की क्षमता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्राइमरी लेवल का कैंसर होता है, उसके लिए डॉक्टर अब खुद एडवाइस करने लगे हैं कि आप देसी गाय का यूरिन पीजिए। तो बेसिकली उसमें जो एनर्जी होती है, जो करंट होता है, वो करंट ही कीमो है। तो जब वो करंट आप बॉडी को देंगे, तो निश्चित तौर पर आपके बैक्टीरिया जो आपके कैंसर के बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर हावी है, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के यूरिन में, गोबर में और मिल्क में हमारा करंट है, मतलब सूरज का करंट है। और इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, और आप सभी लोग भी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देसी गाय का दूध ही पीने को एडवाइस किया था। किसी भी महापुरुष ने या किसी भी पुरुष ने भैंस का दूध हमें एडवाइस नहीं किया, या किसी भी और अन्य जानवर का दूध एडवाइस नहीं किया, देसी गाय का ही दूध एडवाइस किया। और हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, ये बात हमें आज पता चली कि सूरज के रोशनी में करंट होता है, पर हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे और उनको पहले से ही पता था कि देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी है, और उस सूर्य केतु नाड़ी में जो है करंट को इकट्ठा करने की क्षमता है। तो बेसिकली हमारे पूर्वजों की अगर हम बात को ही माने, तो देसी गाय के मिल्क में करंट होता है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि हम उसको पिएं ताकि हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहे और हम अच्छे तरीके से स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ मन से काम कर सकें। लेकिन आज की तारीख में हम ज़्यादा गाढ़ा दूध पीने के चक्कर में भैंस के दूध पर आ गए, और भैंस का दूध पी पी के हमने अपनी मानसिकता को भी इस ढंग से कर लिया है कि जिस तरह से भैंस की मानसिकता होती है या भैंस की जो प्रवृत्ति होती है, आप देखते हैं कि हम रोड पर चलते हैं और भैंस खड़ी होती है और हम हारन देते हैं तो भैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी संवेदना भी हो चुकी है भैंस का दूध पी पी के, कि हम कितना भी चिल्ला लें, कितना भी केमिकल के प्रति हम बात कर लें, लेकिन लोगों की दिमाग पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, या असंवेदनशीलता के कारण कम असर हो रहा है। तो मित्रों, आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर दूध ना मिले तो मत पीजिए, लेकिन देसी गाय का ही पीजिए, भैंस का दूध आप कतई ना पिए। और इस तरह का दूध पी के आप अपनी मानसिकता को संकीर्ण ना बनाएं, और सुस्त अवस्था में आप अपनी विवेक को ना ले जाएं। अपने विवेक को एक्टिव करना है, अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, और सही ढंग से आपको विचार अपनी बॉडी में डालने हैं, तो देसी गाय का मिल्क पीजिए। तो खैर, ये थोड़ी लंबी चर्चा हो गई, लेकिन बताना बहुत आवश्यक था। तो मैंने जो आपको बताया कि सूर्य केतु जो नाड़ी होती है वो करंट को एब्जॉर्ब करती है, और वो करंट फिर हमारे गोबर में आता है, दूध में आता है और यूरिन में आता है। तो जब वो करंट गोबर में आएगा, तो वो फिर हम उसको कंपोस्ट करके और उसको खाद बना के वापस खेत में रिप्लेस करेंगे, तब जाके हमारी खेतों को। तो बेसिकली हमें खाद बनाने के लिए अपने देसी गाय का ही गोबर इस्तेमाल करना है। कोशिश करिए, अगर अभी ना हो उपलब्ध तो जो हो उपलब्ध उससे शुरुआत करो, पर लक्ष्य हमारा होना चाहिए देसी गाय ही, और उसी के साथ में ही हमें काम करना है। तो ये हो गया अपनी वर्मी कंपोस्ट की बात, फॉस्फो कंपोस्ट की बात, और अपना वर्मी फॉस की बात। तीन तरह के खाद हमने इसमें आपको बताना किया, और इसको हम थोड़ा सा आपको निकाल के भी बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए।
ये आप देख रहे होंगे हल्का सा इसका येलो कलर है, और ये अर्थवर्म बड़ी मस्ती के साथ में दिन में हमारी आपकी बातचीत भी सुन रहे हैं, और मुझे लगता है शायद समझ भी रहे होंगे ये, और अपना काम भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये बढ़िया तरीके से खाद बना रहे हैं। इसमें हमने गोबर और रॉक फास्फेट को साथ में मिला के रखा है, और इनको अर्थबम को भी छोड़ा है, और ये अर्थबम अपनी मस्ती से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है गोबर है, रॉक फास्फेट है, और उसके साथ में ये अर्थबम है। और जो खाद बन जाता है जब ये खाद नहीं बनाई है, नीचे की परत है जिसमें गोबर साफ रूप से आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है, और जो ऊपर से खाद बन चुका है वो भुरभुरा है एकदम, आप हाथ मारेंगे तो चाय पत्ती के माफिक जो है ना ये बिखर जाता है। तो जो खाद बनने की कंडीशन होती है वो ये कि जब आप गोबर को इस तरह से हाथ में लेते हैं, लाइक हमने ये हाथ में लिया और मुट्ठी बांधी, और जब हम इस मुट्ठी को झरा देंगे तो ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चिपकेगा नहीं ये। तो ये होती है खाद बनने की कंडीशन कि ये खाद बन चुका है, ये पहचान करने का तरीका होता है। और जो खाद नहीं बना वो क्या है, तो नीचे हमारा इसमें है, हमने ये लिया जो ये लगभग अभी नहीं बना, और हमने इसको हाथ में लिया और ऐसा किया तो आप देखो ये चिपक गया, हमारा मॉइस्चर आ गया ये छोटा छोटा, तो ये जो है ना मतलब ये कच्चा है, ये नहीं बना। और बनने की कंडीशन इतना आपको जज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो हाथ मारेंगे जो चाय पत्ती की तरह बारीक महीन बिखर गया खाद वो बन चुका है, फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने से पहले इसमें से निकाल के हम पहले एक महीने तक उसे स्टे करते हैं। और स्टे करने के पीछे का कारण ये है कि जो अर्थबम होता है, अर्थबम अपनी बॉडी से बहुत सारे एंजाइम और एसिड रिलीज़ करता है, तो ये एंजाइम और एसिड अगर हम ताजे खाद के रूप में पौधों को देंगे तो ये ज़्यादा असर कर सकते हैं, पौधों की जड़ें जल सकती हैं, पौधा ख़त्म हो सकता है। तो हम इसमें से खाद निकाल कर पहले छाया युक्त स्थान पर लगभग एक महीने तक उसे स्टे करते हैं, और स्टे करने के बाद फिर हम इसे खेत में इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमें डायरेक्टली इसमें से निकाला हुआ खाद इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें केंचुआ हो। अगर जिसमें केंचुआ नहीं है वो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप अर्थबम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वर्मी फॉस में चाहे वर्मी कंपोस्ट में, वहाँ पर आपको खाद को निकाल के एक महीने तक आपको स्टे करना है। तो ये आपको हमने बैग में खाद बनाने की बात बता दी। जो हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे और गाय की बात हमने करी, तो जब गाय गोबर करती है तो गोबर में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन जैसे ही गाय ने गोबर किया और गैसेस के रूप में वो ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। तो उसमें मीथेन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, और भी सारी गैसेस होती हैं। तो गोबर जब गाय करती है तो गैसेस निकलने की प्रोसेस चालू हो जाती है, तो उसमें से नाइट्रोजन धीरे 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 करके ख़त्म हो जाती है। अब हमें क्या करना है, उस नाइट्रोजन को बचाना है। तो हम क्या करते हैं, गाय ने गोबर किया तो हमने रोड पर ढेर डाला, तो लंबे समय तक जब वो ढेर लगा रहता है तो गोबर की नाइट्रोजन निकलती रहती है आराम से, और दो तीन महीने तक जब वो पड़ा रहता है वहाँ पर तो पूरी तरह से उसकी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है, फिर वो गोबर कोई काम का नहीं होता है। और उसमें बचे कुचे और भी कोई तत्व होते हैं, तो बारिश का जब पानी गिरता है तो वो भी सारे पानी के माध्यम से लीच आउट हो जाते हैं और सारे न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। तो पहली बात तो गाय के गोबर में ताकत नहीं है, आप जर्सी गाय का और भैंस का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से गाय और भैंस को आपने प्रोटीन बेस्ड डाइट दी हुई है, तो उसमें कार्बन परसेंटेज वैसे ही कम आ गया, क्वालिटी गोबर की वैसे ही डेड है, और ले जाके आपने रोड पर ढेर लगा दिया तो जितनी भी और उसमें ताकत थी वो सारी और रोड पर ढेर लगाने से ख़त्म हो गई। तो पहले नंबर गाय की नस्ल को सुधार कर हमें देसी प्योर गाय पर जाना है, और उसको सही ढंग से डाइट मेंटेन करनी है, और डाइट मेंटेन करने के बाद उसके गोबर को इस ढंग से इस्तेमाल करना है ताकि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में वापस ना जा पाए। तो गड्ढे में ना लगा के या पिट में ढेर ना लगा के आपको सीधे इस बैग में भरते जाना है और बोरी से उसे ढक देना है ताकि नाइट्रोजन उसमें बची रहे। अब हम क्या करते हैं, जब हल्का सा पानी डालते हैं तो नाइट्रोजन गैस जो है ना हल्की भारी होती है, ठीक है, थोड़ी भारी होती है, तो वो क्या करती है, जब हम पानी डालते हैं तो पानी के माध्यम से वो लीच आउट होकर ज़मीन के सरफेस पर जाती है, इसके सतह पर जाती है, और इसकी सतह पर जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से 4 इंच का स्लोप मेंटेन करते हैं, और स्लोप मेंटेन के कारण ये नीचे की सतह पर जमा हो जाता है, और वो लिक्विड जब नीचे जमा हो जाता है तो उधर लास्ट में हम इसमें छेद कर देते हैं, और छेद करके पाइप लगा देते हैं और एक जाली लगा देते हैं, और जाली के माध्यम से वो लिक्विड बूंद 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 करके
फिल्टर होके पाइप में आता है और पाइप का मुंह हम घड़े में रख देते हैं और घड़े में वो लिक्विड कलेक्ट हो जाता है और घड़े का भी मुंह हम ढक देते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत वहाँ पर हमारा तैयार हो जाता है। उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, बहुत सारे एंजाइम और एसिड्स भी होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में वो खाद बहुत ही आविष्कारक है, बहुत ही असरकारक है। तो हम इस तरह से ना केवल गोबर का सही ढंग से खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी जो नाइट्रोजन है वो उड़ने से बचाते हैं और उस नाइट्रोजन को कलेक्ट करके हम लिक्विड फॉर्म में पौधे को स्प्रे के माध्यम से देते हैं या फिर पानी के साथ मिला के दे देते हैं, तो उससे नाइट्रोजन की हमारी पूर्ति हो जाती है। तो दो तत्व हमारे रेडी हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व पर, और तीसरे तत्व के रूप में आप इसी में जो हमारे खेतों में गाजर घास होती है, अगर गाजर घास नहीं है तो आपके खेतों में कचरा होगा, जो भी ग्रीन वेस्ट है, किचन वेस्ट है या फार्म वेस्ट है, जो भी है, ड्राई सूखा जो भी है, वो सारा कंपोस्ट आप ले लीजिए, सारा सॉरी मटेरियल ले लीजिए और 100 केजी मटेरियल पर आप 1 केजी नमक ले लीजिए, खड़ा वाला। खड़ा बोले तो क्रिस्टल के रूप में जो नमक आता है, हमें किचन में नमक जो यूज़ करते हैं वो नमक नहीं, क्रिस्टल के रूप में आता है वो हमें खड़ा नमक लेना है। और 100 किलो हमने कचरा डाला और उसके ऊपर 1 किलो हमने नमक डाल दिया, फिर 100 किलो कचरा डाला, फिर 1 किलो नमक डाल दिया, फिर 100 किलो, ऐसे 4-5 लेयर हम तैयार कर देते हैं, बोरे से ढक देते हैं और हर 20 दिन में उसको पलटी करते हैं और गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। लगभग 70 से 90 डेज में ये मैन्योर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और हम इसे फिर 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं, तो हमारी पोटास की जो कमी होती है खेतों में वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम पोटास युक्त खाद हम बनाते हैं और इसको हम और दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। ये तो हमने आपको पिट की बात बता दी, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास पिट नहीं है, इस तरह के संसाधन नहीं हैं, तो फिर आप कैसे मैन्योर को बना सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पेड़ की छाया है, हम लोग पेड़ की छाया में हैं, यहाँ पर आम के झाड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ की छाया के नीचे हमने जगह को अच्छे से क्लीन करके और ये गोबर और रॉक फॉस्फेट को दोनों को प्रॉपर मात्रा में मिला के और हमने इसको ये ढक दिया है, ठीक है। और ये लगभग समझ लो कि 15 दिन के आसपास हो चुका है, कंपोस्टिंग की प्रोसेस इसकी चालू है और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि लगभग 20 दिन का 5-7 दिन के बाद इसको पलटी करेंगे। तो ये आप देखेंगे तो हल्का सा ब्राउन ब्लैकिश कलर आने लगा है इसका, कंपोस्टिंग की प्रोसेस चालू हो गई है। और तो अब हम इसमें 20 दिन के अंतराल में इसकी हम थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे, इसको मैश कर देंगे। तो गुड़ाई करने से क्या होगा कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया को मिलेगी और बैक्टीरिया और तेज़ी से एक्टिव होगा और कंपोस्टिंग की प्रोसेस और फास्ट होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे और इस पिट को वापस हल्का सा बस आपको ऐसे कर देना है और कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस है ताकि हवा जो है ना प्रॉपर इसमें चली जाए। और ऐसा करके या तो आप गौमूत्र पहले छिड़क दीजिए इस पिट के ऊपर बोरे को हटा के और फिर उसके बाद ये आप कट कर दीजिए ताकि गौमूत्र मिक्स हो जाए और एक प्रॉपर एसिडिटी, नेचुरल एसिडिटी रॉक फॉस्फेट के साथ में मिल जाए ताकि ये कंपोस्टिंग और जो फास्फोरस प्रोसेस है वो और फास्ट हो सके, अच्छा हो सके। और इसको बस मैश कर दीजिए गौमूत्र मिला के और इस तरह से आप ऐसा कर देंगे हल्का सा, ये पिट को आपको एडजस्ट कहीं नहीं करना है, बस वहीं के वहीं थोड़ा सा फाड़ा मार दीजिए चारों तरफ और ऐसा करके और बस फिर दोबारा से। तो ये दो बार